नमस्कार, मैं हूं प्रशांत नायर और आप देख रहे हैं संवाद। हिंदुस्तान, हिंदुस्तान एक ऐसा देश है जहां पे एक स्पोर्ट जो है वो रूल करता है। वो अब केवल एक स्पोर्ट बनके नहीं परंतु एक रिलीजन बन चुका है। जी हां, आप सही सोच रहे हैं, मैं बात कर रहा हूं क्रिकेट की। कोरोना पैंडेमिक की वजह से क्रिकेट जो स्पोर्ट है वो पूरी तरीके से बंद हो चुका था पिछले 5 से 6 महीनों में, और आईपीएल जो था वो भी पोस्टपोन्ड हो चुका था, जो रिसेंटली खेला गया था अबू धाबी में सितंबर, अक्टूबर और नवंबर के महीने में, जिसके जो विनर्स थे वो थे मुंबई इंडियंस। इंडिया ने काफी अरसे के बाद, यानी कोरोना पैंडेमिक के बाद, सबसे पहली बार अगर कोई इंटरनेशनल टूर खेलना चालू किया तो उन्होंने टूर किया ऑस्ट्रेलिया में, और ये जो टूर है बहुत ज्यादा चर्चे में रहा। चर्चे में रहने के बहुत सारे रीजन है। सबसे पहला कि ये कोरोना वायरस पैंडेमिक के बाद खेले जाने वाला सबसे पहला टूर है इंडिया ऑस्ट्रेलिया का, और इसी के साथ साथ जो ऑडियंस है उन्हें भी लाइव ऑडियंस को, इन हाउस ऑडियंस को अलाउ किया गया ये पर्टिकुलर सीरीज के लिए। तो स्टार्ट होता है ये सीरीज सबसे पहले ओडीआई से। ओडीआई 3 मैच सीरीज था जिसके अंदर पहले 2 मैचेस में इंडिया हार जाती है। तीसरे मैच में इंडिया व्हाइट वॉश होने से बच जाती है थैंक्स टू रविंद्र जडेजा। रविंद्र जडेजा ने सिर्फ थर्ड ओडीआई में अपना जलवा नहीं दिखाया परंतु उन्होंने फर्स्ट टी20, यानी जो टी20 सीरीज इंडिया ने जो कल जीता था उसमें भी अपना जलवा दिखाया, परंतु इस बार बहुत सारे कंट्रोवर्सीज आ रहे थे इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के फर्स्ट टी20 मैच के खिलाफ। और आप सोच रहे होंगे क्या सबसे पहला और मुद्दा बाहर निकल के ये आ रहा है, कंकशन का। रविंद्र जडेजा ने फर्स्ट इनिंग्स के बाद खुद को कंकशन से रूल आउट कर दिया और उनके जो सब्स्टिट्यूट है वो निकले युजवेंद्र चहल। अब कंकशन यानी क्या होता है? कंकशन यानी कभी भी कोई भी बैट्समैन को अगर अपने हेलमेट में, माथे पे बॉल लगता है तो उसके पास पूरा राइट होता है, वो अपने आप को रूल आउट कर सकता है वो पर्टिकुलर गेम से, और उसके सिवाय कोई दूसरा, उसके सब्स्टिट्यूट में कोई दूसरा प्लेयर बिल्कुल आ सकता है। अब ये कोई कॉमन बात है, ये तो एकदम अकॉर्डिंग टू द रूल्स एंड रेगुलेशंस है। तो ऑस्ट्रेलिया के जो कोच है जस्टिन लैंगर, वो फर्स्ट इनिंग्स ब्रेक के बाद इतने ज़्यादा नाखुश क्यों दिखाई दे रहे थे? दो रीजंस है। सबसे पहला, कंकशन होने के बाद यानी बॉल माथे पे हिट होने के बाद रविंद्र सिंह जडेजा ने बाकी जितने भी ओवर्स बचे थे उसमें बैट किया, और उस दौरान कोई भी किसी भी तरीके के अंपायर रेफरी से बात ये नहीं किया उनको बताते हुए कि उनको माथे पे लगा है या उनको किसी भी तरीके का डिस्कम्फर्ट फील हो रहा है। और उसी के साथ साथ दूसरा और बिगेस्ट प्रॉब्लम या बिगेस्ट कंसर्न जस्टिन लैंगर ये बता रहे हैं कि रविंद्र सिंह जडेजा के पैर में हैमस्ट्रिंग हुआ था जिसके वजह से वो ढंग से खेल नहीं पा रहे थे, और इसी के चलते अगर वो सेकेंड इनिंग्स में आते तो वो बोल नहीं कर पाते, और इसी के चलते अगर वो बोल नहीं कर पाते तो उनके लिए कोई नया सब्स्टिट्यूट लेकर आना जरूरी था और वो थे युजवेंद्र चहल। सो जस्टिन लैंगर का ये कहना है अगर कंकशन हुआ था तो तब उन्होंने रिपोर्ट क्यों नहीं किया और फर्स्ट इनिंग्स के ब्रेक के बाद क्यों अपना ये जो कंकशन का रूल है वो उन्होंने बताया। अब युजवेंद्र चहल आते हैं सेकेंड इनिंग्स में रविंद्र जडेजा के कंकशन सब्स्टिट्यूट के द्वारा, और वो ले जाते हैं 3 विकेट्स, 3 महत्वपूर्ण विकेट्स, एरन फिंच, स्टीवन स्मिथ और मैथ्यू वेड, और इसी 3 विकेट्स की वजह से शायद इंडिया को फर्स्ट टी20 जीतने का कई एक रीजन मिला। अकॉर्डिंग टू द रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑफ आईसीसी, अगर कंकशन की वजह से किसी भी प्लेयर को किसी भी तरीके का डिस्कम्फर्ट फील होता है देन इट इज़ वेरी मच अकॉर्डिंग टू द रूल बुक्स कि वो पर्टिकुलर प्लेयर अपने आप को सब्स्टिट्यूट कर सकता है, वो अपने आप को रेस्ट कर सकता है। इसी के चलते ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड जब टेस्ट सीरीज हुआ था तब स्टीवन स्मिथ ने खुद को कंकशन की वजह से द ऑल्टरनेटिव टेस्ट में वो रुक चुके थे, वो रेस्ट कर चुके थे जब जॉफ्रा आर्चर ने उन्हें एक बाउंसर डाली थी। बट इस बार जब रविंद्र सिंह जडेजा को बॉल लगा था तब सिर्फ कंकशन एक रीजन नहीं था, उनके लिए हैमस्ट्रिंग भी एक रीजन था अकॉर्डिंग टू जस्टिन लैंगर। ये जो सीरीज है ऑलरेडी बहुत ज़्यादा एंटरटेनिंग हो चुकी है, 2 ODIs इंडिया हार चुकी है, उसके बाद 1 ODI और 1 T20 अब इंडिया जीत चुकी है। इट्स ऑल पॉइज्ड अप एंड नाउ लेट्स सी कि आगे के जो T20Is जो कल होने वाले हैं, कल है दूसरा T20I, और जो टेस्ट सीरीज आगे आने वाले हैं उसमें इंडिया ऑस्ट्रेलिया का जो क्रिकेटिंग मैच है वो किस तरीके से आगे बढ़ता है, और ये COVID-19 पेंडेमिक के बाद सबसे पहला टेस्ट सीरीज, ODI सीरीज और T20 सीरीज है जो इंडिया खेल रहा है। मैं हूँ प्रशांत नायर, आप संवाद के साथ जुड़े रहिए। नमस्कार, जय हिंद।